नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द नगरी न्यूज और मैं हूं प्रियंका। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत अपने काम से ज्यादा अपने मन मुटाव को लेकर चर्चा में रहने लगे हैं। पहले सचिन पायलट, फिर राजेंद्र गुड़ा और अब जिनसे मन मुटाव हुआ है वो कोई छोटा मोटा नाम नहीं है। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच मन मुटाव चर्चा का विषय बन गया है। चुनावी साल में राहुल गांधी प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी नहीं दिखाई दिए। इसका कारण सचिन पायलट को माना जा रहा है। कहा जाता है कि राहुल गांधी सचिन पायलट को पसंद करते हैं, उन्हें समर्थन भी दे रहे थे। गहलोत को डर है कि राहुल गांधी राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में जितना सक्रिय होंगे उतना ही पायलट का प्रभाव बढ़ेगा और गहलोत ये बिल्कुल नहीं चाहते। इसके पीछे क्या कारण है ये सभी जानते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले दोनों के बीच शुरू हुआ विवाद बढ़ता ही गया। इस विवाद के कारण गहलोत सरकार पर बड़ा खतरा भी आ गया था। इसके बाद से दोनों नेताओं के बीच की खाई और बढ़ गई। हाल फिलहाल दोनों नेता शांत हैं। बीते कुछ दिन पहले गहलोत ने पायलट को हाई कमान भी बताया था। ERCP को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा नहीं देने के कारण कांग्रेस केंद्र सरकार को घेरने के लिए एक यात्रा शुरू कर रही है। 16 अक्टूबर से शुरू होने वाली इस यात्रा का शुभारंभ करने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राजस्थान दौरे पर आएंगे। वहीं 5 दिन बाद यात्रा के समापन पर प्रियंका गांधी वाड्रा के आने का कार्यक्रम बना है। राहुल गांधी इसमें शामिल होंगे या नहीं ये देखना होगा। ऐसा होना एक बार फिर राजस्थान से राहुल गांधी की दूरी को दिखा रहा है। 2018 में सचिन पायलट की बगावत के बाद उन्हें उप मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था। इसके बाद से पायलट के पास कोई पद नहीं था। विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त 2023 में सचिन पायलट को कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य बनाया गया। 3 साल बाद पायलट को संगठन में कोई पद दिया गया। डिप्टी सीएम के पद से हटाए जाने के बाद से वे सिर्फ विधायक की भूमिका में थे। इसे लेकर कहा गया था कि गहलोत को नहीं, कांग्रेस को सचिन पायलट की जरूरत है या फिर साथ चाहिए। राहुल गांधी के जरिए अगर सचिन पायलट का राजस्थान में प्रभाव बढ़ता है तो वो फिर मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में खुलकर सामने आ सकते हैं। टिकट वितरण में भी उनकी भूमिका बढ़ सकती है। ये दोनों ही चीजें हैं जो गहलोत बिल्कुल नहीं चाहते। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का सदस्य होने के कारण प्रत्याशियों के चुनाव समेत अन्य रणनीति में पायलट की भूमिका पहले से ही अहम मानी जा रही है। राजस्थान में चुनाव की तारीख का ऐलान हो गया है। इससे पहले से कांग्रेस चुनाव प्रचार में जुट गई है। आचार संहिता लगने से पहले पार्टी ने कई बड़े कार्यक्रम किए लेकिन पायलट और गहलोत के साथ नजर नहीं आए। चुनावी संग्राम में भी दोनों नेताओं के बीच की दूरी बता रही है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।